घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? क्या रश्मिका नहीं होने वाली है पुष्पा चुंगी? क्या अल्लू ने रश्मिका की डिमांड? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त रशीन आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 के लिए इसके मेकर्स और कास्ट काफी चर्चाओं में हैं फिर से। फिल्म में मेन लीड अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी चर्चा में है, क्योंकि ये फिर से इस मूवी में मेन लीड दिखेंगे। फिल्म के मेन लीड के साथ साथ ही फिल्म के विलन भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म में एक बार फिर से विलन की भूमिका में सुनील की। और इसी के साथ साथ हम आपको एक और अच्छी खबर देने आए हैं। जी हाँ, यानी कि आपके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। तो अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म पुष्पा का ब्लॉकबस्टर हिट होने का कारण है इसके एक्टर्स। जी हाँ, यानी कि फिल्म में रश्मिका और अल्लू की जोड़ी को काफी अप्रिसिएशन मिली थी ऑडियंस से। और इसके बाद अगर आपको ये खबर मिले कि ये जोड़ी अब हमें इस फिल्म में साथ नहीं दिखेगी तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा शॉक होगा फैंस के लिए। तो ऐसा ही कुछ खबर सामने आ रही है। जी हाँ, यानी कि इस फिल्म में रश्मिका के रिप्लेसमेंट में हमें कोई और एक्ट्रेस देखने को मिल सकती है, जिसमें कि तमन्ना का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। रश्मिका का इस फिल्म को छोड़ने का मेन रीज़न बताया जा रहा है मेकर से कुछ डिस्प्यूट। वहीं जहां रश्मिका के ना होने से ऑलरेडी मेकर्स काफ़ी मुसीबतों में हैं, तो अल्लू ने उनके लिए ये दौर और मुश्किल कर दिया है। यानी कि खबर ऐसी आ रही है कि अल्लू अर्जुन नहीं तैयार हैं इस समय किसी और एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए, और उन्हें सिर्फ रश्मिका ही चाहिए एज अ मेन फीमेल लीड, जिसके बाद से काफ़ी दुविधा में आ गए हैं मेकर्स। तो क्या आपको लगता है कि मेकर्स को जाना चाहिए रश्मिका के पास वापस और डिस्प्यूट को करना चाहिए सॉर्ट? अपने व्यूज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।